तुम्हारी कुछ चीजें रह गई थी घर में, तो सोचा तुम्हें देने आ जाऊं। सही बात है, ताकि मेरी कोई निशानी ना रहे घर में, है ना? अरे तुम्हारी हंसी तो घर के हर कोने में बसती है, और जो हर कोने में बसता उसे निशानियां छोड़ने की क्या जरूरत है? आप ही वैसे सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? अजीब सा लग रहा है, अम्मी नहीं आई। अरे मेरी जान, तुम्हें पता तो है तुम्हारी शादी की वजह से कितनी थकावट हो गई थी। सारा काम उन्होंने खुद किया है, वो तो रात से आने के लिए तैयार थी, मैंने उन्हें खुद ही नहीं उठाया। चले कोई बात नहीं, अभी तो काफी दिन है जाने में, तो मैं खुद ही आके मिल लूंगी। क्या हम आप लोगों को तंग कर सकते हैं? बिल्कुल तंग कर सकते हैं, और अगर मेरी बहन ने आपको तंग किया तो आप मुझे इतला भी कर सकते हैं। अरे कितने सियासी लोग हैं आप लोग, एक दिन में पार्टी बदल ली। हाँ कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। वाकई माशाल्लाह। नाराज तो होगी मुझसे? नाराज नहीं है, बस थोड़ी परेशान है। सिर्फ माँ का दिल औलाद के लिए थोड़ी तड़पता है, औलाद का दिल भी तो हसास होता है। अम्मी जब साहिबा को ये सब कुछ पता चलेगा वो बहुत नाराज होगी। मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए। नहीं नहीं, उसे कुछ मत बताओ, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी वो। उसके बगैर घर काटने को दौड़ा है। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा आप हिम्मत करें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ, आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। हुँ? इसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ सीमा, कि अरीज भी झूठ बोल रही है और तुम्हारी सगी बेटी भी। तुम्हारी इतनी औकात आरिफ मियां, कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करो? इस घर की हर चीज मुझे तुम्हारी बीवी की उतरन लगती है, चाहे वो इस्तेमाल किए हुए बर्तन हो या फिर तुम्हारे बच्चे। अरे जिस औरत को तुमने तोहफे में नई जिंदगी के बजाय अपनी बीवी की छोड़ी हुई जिंदगी दी हो, उससे सवाल करते हो? हाँ किया है मैंने ये सब। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है तुम्हारी बेटी से।